कुछ साल पहले मेरी मम्मी को कानों में कुछ इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से पिछले 4-5 साल से इनका धीरे धीरे करके कानों की जो सुनने की क्षमता है वो कम होती गई। तो शुरू में तो हमें लगा कि शायद कुछ स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है, हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट इवेंचुअली वी रियलाइज्ड कि कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ा मेडिसिन भी इन्होंने ट्राई करी बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि हम डिजिटल हियरिंग एड यूज़ करें। डिजिटल हियरिंग एड हमने फिर थोड़े टाइम यूज़ करे, पिछले 3-4 साल से उसको हम यूज़ कर रहे थे, बट इवेंचुअली हमने देखा कि ये धीरे धीरे करके इनका सुनना बिल्कुल कम होता जा रहा था और डिजिटल हियरिंग एड से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सबसे बड़ा चक्कर ये था कि इनकी जो लाइफ थी वो इम्पैक्ट हो रही थी, ये सुन नहीं पा रही थी। ये एक हमारा सोशल ग्रुप है, हमारी एक जॉइंट फैमिली है, उसमें हम रहते हैं, इनकी लाइफ इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई क्योंकि किसी से कम्युनिकेट कर नहीं पाती थी। इनको कम्युनिकेट करने में खुद ही शर्म आती थी क्योंकि इनको लगता था कि मैं सुन ही नहीं पाऊँगी तो मैं बात क्या करूँ। ये करते करते धीरे धीरे ये अपने एक जोन में चली गई। आई वुड से शी वेंट इनटू सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। शी स्टार्टेड सेइंग इन हर ओन वर्ड, ज़्यादा बात करनी उन्होंने बंद करनी, बाहर जाना वाना बंद कर दिया। तो हमें लगा कि इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। हमारी रिसर्च में हमें पता चला मैक्स हॉस्पिटल के बारे में, और थ्रू अ कॉमन फ्रेंड ऑफ आर्स इन दिल्ली वी मेट डॉक्टर ब्रेक इन मैक्स हॉस्पिटल। प्रीति जैन मुझे दिखाने मैक्स हॉस्पिटल साकेत आई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि पिछले 5-7 साल से उनकी सुनाई बहुत ज़्यादा कम हो गई और अब किसी भी हेयरिंग एड से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। कुछ जाँचों के बाद मैंने उनको कॉकलर इम्प्लांट के लिए एडवाइज़ किया। हालांकि मैंने उनको बायलैटरल कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बोला क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से फैमिली ने एक कान में ही इम्प्लांट कराने का अभी फैसला लिया। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी उनकी मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल में की गई। सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही। 3 से 4 महीने के बाद, सर्जरी के बाद, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस चली गई। फ़ोन पर बात करना, टेलीविज़न सुनना, अपने ग्रुप में बात करना, फैमिली के साथ डिस्कस करना, ये पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मेरे बच्चों के स्पोर्ट से मैंने अपना ऑपरेशन करवाया डिवाइस, इस कोचलर इम्प्लांट, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मुझे सुनने में पहले बिल्कुल सुन नहीं पा रही, उसके बाद काफ़ी सुनने में जब लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना कोई और, कोई दूसरे का एक कान से सुन पा रही थी, क्यों ना कोई और डॉक्टर से बात करके दूसरे कान में कुछ करवाया जाए। हमने मम्मी का जो कॉकलियर इम्प्लांट कराया था वो 1 ईयर में कराया था, ऑब्वियसली हमें उससे बहुत बेनिफिट दिखा। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो इनका सेकेंड ईयर है, जो कि कम्प्लीटली डेड हो चुका है, उसके लिए भी हम कोई सॉल्यूशन ट्राई करें। हमने कुछ हियरिंग एड्स, डिजिटल हियरिंग एड्स जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, वो ट्राई करें, बट उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे इनका पहले भी एक प्रॉब्लम रहता था हियरिंग एड के साथ कि इनको लगता था कि इसमें शोर, इसमें नॉइज बहुत आ रही है, एंड शी इज़ नॉट एबल टू मेक आउट वट अदर पीपल आर सेइंग। नाइडा लिंक क्रॉस फाइनली एक ऐसा सोल्यूशन है उन मरीजों के लिए जिनको दोनों कानों से 90% से ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, जो एक कान में कॉकलियर इम्प्लांट और दूसरे कान में नाइडा लिंक क्रॉस डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। इस मशीन के द्वारा वो दोनों साइड से आवाज़ को पिकअप कर सकते हैं और ऐसा उनको व्यतीत होगा कि कोई भी आवाज़ अब वो मिस नहीं कर रहे हैं। जब से उन्होंने अपने कान में नाइडा लिंक क्रॉस का इस्तेमाल शुरू किया है, उनका ये कहना है कि पहले से ज़्यादा वो काफ़ी अच्छी तरीके से साउंड्स कैप्चर कर पाती हैं। दूसरी चीज़, जब भी वो किसी नॉइजी सिचुएशन में रहती हैं, उनको काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले बहुत अच्छा सुनाई पड़ता है, और पीछे से आने वाली आवाज़ें वो काफ़ी हद तक पहले से अच्छी तरह से सुन पाती हैं, जो कि सिर्फ एक इम्प्लांट होने से उनको इतना अच्छा नहीं लग पा रहा था। अब वो आवाज़ें भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाती हैं और ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया है। अब जब भी गाड़ी में जाती हूँ, जब से मैंने क्रॉस लगाया है, अब मैं बहुत बेटर म्यूज़िक सुन सकती हूँ। मेरे लेफ्ट में भी कोई बैठा है या राइट में भी बैठा है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जो बात कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, मैं उससे बड़े अच्छे से पिकअप कर लेती हूँ और बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है उससे।
We are very happy, you know, using this as a solution in the left ear for my mom. And I would definitely recommend you give it a shot.